Hello, everyone, welcome back to my channel. If you're new to my channel, then hi, my name is Twinkle, and I make videos related to aviation career and how you can fulfill your dream of becoming a cabin crew i also share my experience of over 10 years of working with airlines like kingfisher and qatar airways and now i'm sharing all that experience so if you'd like this kind of content that i make uh, do not forget to subscribe to my channel like the videos and share them as much as you can back to the topic of this video aaj ki video hindi mein hone wali hai haan because uh, ये एक आ, इंडियन एयरलाइन के बारे में है इंडिगो एयरलाइंस के बारे में है एंड मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये सब तक बिना किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के ये टॉपिक का जो मोटिव जो मैसेज है ये सब तक पहुंचे इसीलिए ये वीडियो हिंदी में होने वाली है आई ट्राई टू स्पीक एज मच एज आई कैन इन हिंदी एंड इन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक जेन्युन और फेक इनविटेशन ईमेल या इंटरव्यू ईमेल जो आपको आजकल इंटरव्यू के ईमेल्स आ रहे हैं आपके ईमेल आईडीज में कैसे पता लगाएं कि कौन सा जेन्युन है और कौन सा फेक है जाहिर सी बात है बिकॉज uh, आप सब लोगों ने इंडिगो के बहुत सारे जो वैकेंसीज आ रहे हैं आजकल दे आर एक्चुअली कॉलिंग इन फॉर वैकेंसीज फॉर ग्राउंड स्टाफ रैम्प स्टाफ सिक्योरिटी और बहुत अलग अलग कस्टमर सर्विस एजेंट्स के रोल्स के लिए भी अपार्ट फ्रॉम कैबिन क्रू के रोल्स की बहुत वैकेंसीज आ रही हैं जिसके लिए आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था जनवरी में फेबररी में डिसम्बर में अप्लाई किया है तो वो उसके इन्विटेशन आपको आने लग गए हैं बट बिकॉज अलग अलग सिटीज में अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स हैं तो बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं फ्रॉड्स और स्कैम्स के और मुझे बहुत ज्यादा डीएम्स भी आए हैं आप लोगों की तरफ से आस्किंग कि कौन सा ईमेल सही है कौन सा नहीं है क्या ये सही है क्या ये नहीं है क्या मुझे प्रोसीड करना चाहिए तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है सबके माइंड्स में इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग बिना किसी डिपेंडेंसी के खुद ही पता कर पाएं कि जेनविन और फेक लेटर्स में ई में क्या डिफरेंस है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, इनफैक्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि एक कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ के जो ईमेल्स हैं इंटरव्यू ईमेल्स हैं वो कैसे दिखते हैं उनमें क्या डिफरेंस है और uh, किन वजहों से ऑफ कोर्स फ्रॉड्स और स्कैम्स बढ़ रहे हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको इसी वीडियो में और uh, उसके अलावा आई विल आल्सो टेल यू कि आप क्या देखें व्हाट शुड यू लुक फॉर इन एन इंटरव्यू ई जिससे आप पता लगा पाए कि आ, क्या क्या चीजें हैं जो सही होनी चाहिए और क्या नहीं है आप स्पॉट कर पाए और उस वजह से आपको एक्चुअली में पता लग जाएगा कि ये जेन्युन है या फेक है वो और मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आप कहाँ ईमेल कर सकते हैं कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं इन द कंपनी टू एक्चुअली वेरीफाई हंड्रेड परसेंट कि ये जो लेटर है जो ये ईमेल है वो हंड्रेड परसेंट जेनुइन है या नहीं और एक और चीज़ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगी जो कि फेक हैं और कुछ जेनुइन हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए तो अगर आपने अप्लाई कर रखा है इंडिगो के लिए या आप अप्लाई करने वाले हैं और आपको भी डाउट है इनफैक्ट और किसी भी एयरलाइन के लिए भी है तो भी आप ये वीडियो जरूर देखें सबसे पहले तो दो कैटेगरीज हैं हम डिवाइड करेंगे कैबिन क्रू की कैटेगरी और एक है ग्राउंड स्टाफ जिसमें आपके सारे ग्राउंड के रोल्स आते हैं रैंप स्टाफ सिक्योरिटी स्टाफ कस्टमर सर्विस एजेंट सारे तो दो तरह के वैकेंसीज चल रहे हैं Uh, कुछ कैंडिडेट्स को सीधा सीधा टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं कॉल आती है और उन्हें कहा जाता है कि ये आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू है उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको ये कहा जाता है कि आप होल्ड पे हैं और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आगे क्या होने वाला है सो so, कुछ लोगों को सीधा टेलीफोनिक इंटरव्यूज के बाद फेस टू फेस इंटरव्यू के ई आ रहे हैं कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि डायरेक्टली अप्लाई करने के बाद कि आप इन वेन्यू पे वॉक इन कीजिए और वहीं आके आपका सिलेक्शन होगा कुछ लोगों का स्काइप पे वीडियो इंटरव्यू लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम बाद में फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे बहुत ही नॉट सो यूनिफॉर्म टाइप का प्रोसेस है एक ही तरह का प्रोसेस ना होने की वजह से बहुत सारे लोग क्योंकि अलग अलग सिटीज में हो रहे हैं अलग अलग सिटीज में प्लेसमेंट हो रही है दिल्ली हैदराबाद मुंबई कोलकाता सबके थोड़े थोड़े प्रोसेस अलग हैं सब में अलग अलग रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से चांसेस ऑफ फ्रॉड या स्कैम या फिर गलत तरीके के ईमेल्स भेजने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं तो और कुछ लोग हैं जिनको होल्ड पे ही रखा जा रहा है कि रिजेक्शन ईमेल्स भी आ रहे हैं कुछ लोगों को कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है इसी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया है तो फिलहाल मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ई में आप लोगों को एक्चुअली चेक क्या करना है तो वो आपके स्क्रीन पे है फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करेंगे कि जो आपको ईमेल आ रहा है वो एट द रेट गो इंडिगो डॉट इन से आ रहा है या नहीं फॉर एग्जाम्पल यहाँ नेम लिखा हुआ है तो अनुराग एट द रेट गो इंडिगो डॉट इन ऐसे होना चाहिए या फिर ये हायरिंग सपोर्ट से होना चाहिए या फिर इनका ई मेल सिक्स ई रिक्रूटमेंट ऐट द रेट गो इंडिगो डॉट इन जैसे यहाँ दिखा रहा है ऐसे होना चाहिए और ये दो चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए उसके अलावा अगर आप रिगार्ड सेक्शन में जाएँ तो या तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज सेक्शन से आना चाहिए या वो टैलेंट एक्विजिशन इन फ्लाइट सर्विसेज डिपार्टमेंट या एच आर टीम से आना चाहिए या उनका प्रॉपर एड्रेस जो गो इंडिगो डॉट इन की तरफ से ई मेल्स हैं जो उनकी कंपनी ई मेल्स हैं नेम लिखा हुआ कुछ भी गो इंडिगो डॉट इन की तरफ से आ रहा है तो आना चाहिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी कि कुछ लोग ऐसे भी लिख रहे हैं जैसे ये एग्जाम्पल देखिए इस ईमेल uh, के अंदर इन लोगों ने लिख रखा है गो इंडिगो डॉट इन एट द रेट आउटलुक डॉट कॉम तो ये जो है वो बड़ा स्मार्टली इन्होंने गो इंडिगो डॉट इन यूज किया है लेकिन एक्चुअली ये ऐट द रेट आउटलुक से है ये कुछ और है ये एक ऑथेंटिक ईमेल नहीं है इसी तरह तरीके से कुछ ये एग्जाम्पल्स भी हैं जो अभी आपके स्क्रीन पे हैं ये एग्जाम्पल्स भी वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं ऑनलाइन और जो कि बिल्कुल बिल्कुल फेक है तो आपको ईमेल आईडी का ध्यान तो रखना ही है साथ ही साथ रिगार्ड सेक्शन में भी ध्यान रखना है और ये जो बड़े बड़े तरीके से इनके लोगोज मॉर्फ किए जा रहे हैं जो फॉर्ज किए जा रहे हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है उसके अलावा वेबसाइट का एड्रेस जो है वो बहुत कॉमनली दिया होता है जो उनकी एक्चुअल वेबसाइट है लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपनी ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए उसका अपना वेबसाइट का उनके आगे नाम लिख देते हैं जिसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअली ऑथेंटिक है या नहीं ये हमें चेक करना बहुत जरूरी है कि ई मेल आ कहां से है सेकेंड ऑफ ऑल कुछ एजेंट्स हैं जो आपको भेजेंगे उनकी सारी ईमेल हिस्ट्री जैसे कि ये एग्जांपल इसमें सब कुछ लिख रखा है क्या क्या अपोजिशंस uh, हैं क्या प्रोसेस रहेगा क्या सैलरी रहेगी क्या ट्रेनिंग होगा सब कुछ और इसमें डिमांड कर रखिए एक रजिस्ट्रेशन फीस तो अगर आप इंडिगो की साइट पर भी जाएँ क्लियरली वहाँ क्वेश्चन में लिख रखा है कि आपसे किसी भी तरीके की कोई भी तरीके की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मांगी जाएगी चाहे वो एक छोटा सा अमाउंट जाने की 300 टू 400, 500 हंड्रेड ही क्यों ना हो और इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं हो कहने का मतलब ये कि कोई भी फीस नहीं लेनी चाहिए चाहे वो कम हो या ज्यादा हो अगर आप सोच रहे हैं कम फीस है रजिस्टर करा देते हैं आप ये सोचिए लाखों लोग हजारों लोग अगर ये फीस भरते हैं तो सामने वाले एजेंट को फिर भी फायदा होता ही है दे आर जस्ट एजेंट एंड देर इज नो रजिस्ट्रेशन फीस रिक्वायर्ड फ्रॉम इंडिगो और एनी अदर एयरलाइंस एज सच तो कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस मांगे तो समझ जाइए ये ई फेक है उसके अलावा जो बहुत ही जरूरी है वो है ये चीजें दैट यू शुड बी माइंडफुल ऑफ यू शूड नॉट थिंक ट्वाइस अबाउट ऑफकोर्स आस्किंग दर एक रूटर या जो भी आपको कॉल कर रहा है उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कंपनी के बारे में रोल के बारे में इंटरव्यू के बारे में कोई भी डिटेल्स लेने के लिए आप झिझक नहीं न, आपको झिझकना नहीं चाहिए आप ये जरूर पूछें टू जस्ट क्लैरिफाई द रोल मच बेटर जितने भी लोग मुझे डीएम्स करते हैं मैं हमेशा यही कहती हूँ कॉल देम बैक और कॉल द पर्सन उज कॉलिंग यू टू आस्क देम डिटेल्स सेकेंड थिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट है जो यहाँ लिखी है वो है ई मेल्स के बारे में आस्ट देम टू गिव यू इन ई मेल सो दैट यू नो कि ये ऑथेंटिक जगह से ही आ रहा है इट्स ओके समटाइम्स मैंने ये भी केसेस देखे हैं कि टेलीफोनिक इंटरव्यूज के बाद वो कह रहे हैं आपको वेट करने के लिए बट नेवर दैस आपको एक रिटर्न ई मेल फॉर्म में कुछ आपके पास एज अ प्रूफ होना चाहिए जिसे आप चेक कर सकें वेरीफाई कर सकें कि ये ये जो वेकेंसी uh, है जहाँ आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने ये ऑथेंटिक है ये जगह ठीक है ये लोग ठीक हैं तो यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग दैम अबाउट इन ई मेल और क्वेश्चन दैम अबाउट हु दे आर वॉट द रोल इज एंड डिफरेंट क्वेश्चन जिससे आपको सेटिस्फैक्शन रहे ऑफकॉर्स थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो है नेम एट द रेट इंडिगो जो ये ई मेल्स हैं ऑथेंटिक ई मेल से ही आना चाहिए और यू शुड बी केयरफुल ऑफ अबाउट द सिग्नेट्रीज जो हैं जो आपके रिगार्ड सेक्शन में मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें लिखी होनी चाहिए सिग्नेटरीज के लिए बहुत केयरफुल रहें और कोई भी अगर लोगो है तो फॉर्ज या फिर बहुत ज़्यादा एनलार्ज या इस तरह के uh, जो हैं नहीं होने चाहिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिखाए थे अभी फेक वाले सैंपल्स में वैसे नहीं होने चाहिए इसके अलावा व्हाट यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट आर दीज थिंग्स दैट यू डोंट हैव टू डू एट ऑल एनी बडी हु यू किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन फीस इंटरव्यू फीस कॉन्फर्मेशन फीस ट्रेनिंग फीस या फिर यूनिफॉर्म फीस किसी भी तरह का कोई भी तरीके के पैसे आपसे मांगे जाएँ तो आप मत दीजिए इन द नेम ऑफ गेटिंग यूर जॉब इनफैक्ट ट्रेनिंग या कॉन्फर्मेशन या एक्सेप्टेंस और सिलेक्शन ई के लिए भी आपसे कोई फीस मांगे जाए तो वो भी आप बिल्कुल नहीं करेंगे अगर आपसे कोई आपको कह रहा है कि आप सिलेक्ट हो गए हो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू तो भी आप ये बात नहीं मानेंगे और कोई अगर आपको कोई रैंडम ईमेल भेज देते हैं सिर्फ टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के बेसिस के आप सिलेक्ट हो गए हैं तो वो भी नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया है इसीलिए नहीं भेज रहे हैं टेलीफोन के बाद कोई भी ईमेल कुछ केसेस में इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि बिना फ़ेस टू फेस इंटरव्यू के चाहे आपका वीडियो या स्काप इंटरव्यू भी हो जाए तो बिना फ़ेस टू फेस इंटरव्यू के आप कोई भी ऑफर लेटर या सिलेक्शन लेटर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल चाहे आप कैबिन थ्रू के लिए जाएं या कि चाहे आप ए ग्राउंड स्टाफ की पोजीशन के लिए जाएं तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत केयरफुल रहना है ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इनसे बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं एक लुक से पता लगता है ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं जो आप ई में चेक करते हैं जो आजकल बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं लोग तो एनी डे आप मुझे डेफिनेटली ई मेल कर सकते हैं इफ यू डोंट थिंक कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू मेल द कंपनी और इफ यू वॉन्ट इफ आई एम नॉट रिप्लाइंग डिलेड एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉट यू कैन डू इज रिपोर्ट अ केस ऑफ़ फ्रॉड और यू कैन इवन क्वेश्चन द कंपनी अबाउट वदर एंड इन्विटेशन लेटर इज़ फेक और जेनुन उसके बारे में आप यहाँ ई मेल कर सकते हैं एथिंगस एट द रेट गो इंडिगो डॉट इन पे एंड uh, कोई भी हायरिंग इवेंट्स या आपको पोस्टिंग्स के बारे में अगर चेक करना है तो वो आप यहाँ चेक करेंगे एच डी पी एस कोल इन डबल स्लेश करियर्स डॉट गो इंडिगो डॉट इन ये आप एड्रेस लिख के इसके एक्सप्लोर सेक्शंस में जाके जॉब्स चेक करेंगे अगर वो दिखा रहे इवेंट्स तो ही वो वैलिड इवेंट्स हैं और कहीं कितने प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें मुझे क्वेश्चन आते हैं क्या यहाँ पे पोस्ट की हुई जो वैकेंसी है वो सही है या नहीं मेरा सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर कोई वैकेंसी किसी और प्लेटफॉर्म पे है तो डेफिनेटली उनकी कंपनी वेबसाइट पे भी होगी तो अगर यहां पे नहीं है तो वो डेफिनेटली जेन्यून नहीं है तो आप और किसी आ, प्लेटफॉर्म से कोई वेकेंसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो आप ये सब चीज़ें ना करें आप यू स्टिक टू द प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट और देयर एप्लीकेशन विच एवरीबडी नोज इफ़ यूर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल यू विल नो आई की पोस्टिंग अबाउट दिस थिंग्स ऑन माई कम्युनिटी टैप अपार्ट फ्रॉम दिस वन आई विल जस्ट शो यू द एग्जैम्पल्स ऑफ द ईमेल्स विच आर जेन्यूइन सो दैट यू ऑल्सो हैव लुक ऑफ वट आर द रिसेंट ई मेल्स एंड दीज आर द ई मेल दैट यू शुड भी लुकिंग फॉर आई विल भी फ्लैशिंग एग्जाम्पल्स ऑफ द इन्विटेशन ई मेल फ्राम डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ हैदराबाद कोलकाता बॉम्बे डेली इन सब जगहों के कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ के कुछ सेम्पल्स हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो ये है डेली का जो इन्विटेशन लेटर है कैबिन क्रू के लिए आ रहा है यू कैन जस्ट सी यहाँ पे इस तरह के देखिए यहाँ पे एट द रेट इंडिगो भी लिखा है ये सिक्स ई रिक्रूटमेंट की तरफ से आ रहा है तो ये सारी चीजें बताती हैं कि ये जेनुन है ये लेटर हैदराबाद से है दिस वन अगेन इज फ्रॉम कोलकाता सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हैं दैट नोट दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें बहुत लोगों के साथ ताकि उन सबको भी इन सब चीजों के बारे में पता लग जाए और अगर आपने बेल नोटिफिकेशन अब तक नहीं प्रेस किया तो कर दीजिए बिकॉज जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एक्चुअली ये जो ई हैं जो आजकल के इंटरव्यू इन्वाइट्स आ रहे हैं अगर आप भी आपको भी इन्वाइट मिला है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैं उसमें बताने वाली हूँ क्या टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप क्या क्या राउंड्स हैं क्या पूछा जा रहा है पर्सनल इंटरव्यू में और कैसे रहेगा प्रोसेस थोड़ा बहुत इंसाइट अबाउट द सैलरी ट्रेनिंग और इन सब चीजों की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर बेल बटन प्रेस कर दे एंड अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ मैं बहुत सारे लाइव सेशंस करती हूँ क्यू एन ए सेशन करती हूँ पोस्ट करती हूँ स्टोरीज करती हूँ अबाउट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन और कैसे आप अपने चांसेस और भी ज़्यादा पक्के कर सकते हैं कैबिन क्रू जॉब के लिए या फिर जनरल सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पोस्ट एंड स्टोरीज रहती हैं सो so, वेट क्या कर रहे हैं जल्दी से फॉलो कर लीजिए एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही आई विल सी यू इन याई नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय